हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री क्रूज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलवारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना, मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप में मूवी रही थी पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों, आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री क्रूज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलवारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना, मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी।
हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलवारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है, जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरिटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरिटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरिटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन को पहुँच किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे, एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी, हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलवारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है, जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरिटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरिटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरिटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन को पहुँच किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे, एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली,
और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टिलावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है, जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैरेंडी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टिलावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है, जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैरेंडी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने।
इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलवारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलवारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया,
एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन राय, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन राय, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने।
स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक। कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली। लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मारेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारिस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है। इसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने। स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने। स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने। एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक। कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली। लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मारेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारिस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है।
जिसे डायरेक्ट किए थे मराठी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मराठी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मराठी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक कैमरा, डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री फ्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी, और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है, जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मराठी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मराठी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मराठी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक कैमरा, डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री फ्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी, और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक
जो कि 2021 में रिलीज हुई है। अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मराठी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मराठी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मराठी ब्रॉस, मिची लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे, एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी, हालांकि फ्लॉप में मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, शेर रूसिया, एड्री फ्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलवारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी, और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मराठी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मराठी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मराठी ब्रॉस, मिची लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे, एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी, हालांकि फ्लॉप में ही मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, शेर रूसिया, एड्री फ्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलवारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की, रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी, और इसे गूगल यूजर ने
66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की टलावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की टलावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं।
IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, TNM से 5.9 की, टोटल टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने, डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरिटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरिटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरिटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने, स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे, एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी, हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मारेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, TNM से 5.9 की, टोटल टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने, डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरिटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरिटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरिटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने, स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे, एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी, हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मारेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है,
जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोली एक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबोलिक, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरिटी ब्रॉस ने। स्क्रीन प्ले दिए थे मैरिटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरिटी ब्रॉस, मिची लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों, आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक, जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की टलावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबोलिक, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरिटी ब्रॉस ने। स्क्रीन प्ले दिए थे मैरिटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरिटी ब्रॉस, मिची लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों, आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक, जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे।
इसमें हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने। स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशकूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मारेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने। स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशकूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मारेलिना,
सेल रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक। कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मारेलिना, सेल रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मार्लिना मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक। कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है क्राइम
थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मारेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोर्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिची लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारेलिना, मारेलून, बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी, हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मारेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोर्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिची लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारेलिना, मारेलून, बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी, हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून, बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी, हालांकि फ्लॉप में ही हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून, बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी, हालांकि फ्लॉप में ही मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों, आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू,
कास्ट एंड फैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की टलावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है, जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैरेंडी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना मारिलून बैरी मशकूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबोलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबोलिक एक 2021 की टलावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबोलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैडिस एंड्रो ने। डायबोलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है, जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैरेंडी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना मारिलून बैरी मशकूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर।
हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टिलावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप में मूवी रही थी पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों, आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टिलावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पे इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून बैरी मशूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी।
हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैरेंडी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी, हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहां पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैरेंडी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में,
एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री क्रूज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है, जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून, बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री क्रूज, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की लावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है, जहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है, जो कि क्राइम पर बेस्ड है, जिसे डायरेक्ट किए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेटी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेटी ब्रॉस, मिचिल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून, बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन रैक, कैमरा
डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री फ्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलवारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है। इसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून, बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्फेन रैक कैमरा, डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में, एंड मूवी की कंट्री थी इटली, लैंग्वेज थी मूवी की इटली, और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी, पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है, क्राइम थ्रिलर मूवी थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री फ्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलवारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है। इसे डायरेक्ट किए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेंडी ब्रॉस ने, स्टोरी दिए थे मैरेंडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने, एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैनी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना, मारिलून, बैरी मशरूना
नज़र आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन राय कैमरा। डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली। लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबॉलिक मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। फुल्ली डिटेल बताने वाले हैं इस मूवी से रिव्यू, कास्ट एंड फैक्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई है क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 13 मिनट, जिसमें हमें मार्गेल लॉन्स, लुकी मरेलिना, सेर रूसिया, एड्री प्रोड्स, चैंड ग्रीना और एवरिल मारस्टी जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि डायबॉलिक एक 2021 की टलावारी अपराध एक्शन फिल्म है, जो कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे डायबॉलिक बहुत बड़े बैंक को चोरी करता है और रॉबरी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर मूवी की स्टोरी हमें देखने के लिए मिलते हैं। IMDb पर इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी 10 में से 5.9 की। रोटन टोमेटो पर 67% की रेटिंग मिली थी और इसे गूगल यूजर ने 66% लाइक भी किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे मार्को मैंडिस एंड्रो ने। डायबॉलिक जो कि 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकी इटलियाना मूवी है जो कि क्राइम पर बेस्ड है। इसे डायरेक्ट किए थे मैरेडी ब्रॉस ने। स्क्रीन प्ले दिए थे मैरेडी ब्रॉस ने। स्टोरी दिए थे मैरेडी ब्रॉस, मिचेल लेवेंस ने। एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे कार्लो मोस्टी मैरेडी ब्रो ने। स्टारिंग में लुका मारलिना मारिलून बैरी मशरूना नजर आए थे। एडिटिंग किए थे फॉर मेरेडिया एंड मूवी को प्रोडक्शन कंपोज किए थे मॉर्पेन राय कैमरा। डिस्ट्रीब्यूट किए थे वन डिस्ट्रीब्यूटर ने। इसे रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2021 को इटली में एंड मूवी की कंट्री थी इटली। लैंग्वेज थी मूवी की इटली और बजट रखा गया था 10 मिलियन पाउंड। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3 मिलियन ही कमाई की थी। हालांकि फ्लॉप मूवी रही थी पर मूवी ऑडियंस को आज भी पसंद करते हैं। दोस्तों आप भी इसे पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो पर एक लाइक जरूर करें।